हेलो एवरीवन वेलकम टू सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स कैसे हो आप सब लोग जी सॉरी फॉर लेट स्टार्ट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस लेक्चर थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना पड़ा हमें बट वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज के इस हमारे सेशन के अंदर आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर

एक मिनट मैं ज़्यादा डिले नहीं करता हूं आई विल जस्ट स्टार्ट द सेशन आज भी थोड़ा सा अंडर द वेदर तो विल ट्राई टू कवर द न्यूज हम सारी न्यूज कवर कर लेंगे विल स्टार्ट फर्स्ट दोस्तों कल जो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चंस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। वट इज द रिवैम्प एंड रीनेमड वर्जन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अराउंड कल आपको एक असाइनमेंट दिया था तो इसी का आंसर एक बार देख लेते अटल वयो uh, अभ्युदय योजना की हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर यहाँ पे मिनिस्टर है सो so, उन्हीं के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया फॉर द सीनियर सिटीजन सो दिसन बी द्वेश्चन इन द एग्जाम द कमिंग एग्जाम ए आई इस uh, so, इसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा देन डेप्यूटी एनएसए मीटिंग ऑफ द कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत दो हजार ग्यारह में की गई ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो इसी कॉन्क्लेव के अंदर इसका मीटिंग मॉल में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया डेप्यूटी एनएसए सो इंडिया के डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्त्री सर है अगर एनएसए की बात करें तो अजीत दोवल दोल सर हमारे एनएसए है एंड यहाँ पे मिस्त्री सर है जिनके पास डेप्यूटी एनएसए का का आ, काम है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी क्वेश्चन है जो हमारी एग्जाम के लिए बन सकता है अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में तो इंडिया मॉलदीव मॉरिशस श्रीलंका दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस बांग्लादेश एंड सीचल्स इन दो कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस है 2011 में ये कंसेप्ट क्रिएट किया गया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये भी पॉइंट ध्यान रखेगा एग्जाम के लिए काफी जरूरी रहेगा चलो तो आगे बढ़ते आ, आज आ, यस रिवीजन वाले एमसीक्यूज भी है उन एमसीक्यूज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आज के सेशन के अंदर तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन एमसीक्यूज के साथ सिंपल है ज्यादा आज मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस नहीं रखे हैं मैंने तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा वेरी सिंपल विच इंडियन स्टेट इज एसोसिएटेड विद द हरेला फेस्टिवल दैट वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली जी आंसर कर दीजिएगा फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विदला फेस्टिवल uh, उत्तराखंड जी हाँ उत्तराखंड की पे बात करते वेरी गुड उत्तराखंड के सीएम साहब का नाम एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑफ द स्टेट उत्तराखंड हु लॉन्च द वेबसाइट ऑफ आपदा राहत कोष आपदा राहत कोष रिसेंटली इसका वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये स्टेट ओरिएंटेड वेबसाइट है नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट स्टेट ओरिएंटेड वेबसाइट है एंड इसे लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्कू साहब के द्वारा सो so, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया ध्यान रखिएगा दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर द एग्जाम या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है हमने लास्ट टाइम देखा था कि होम मिनिस्ट्री वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती है हमने अलग अलग स्कीम्स भी कवर की थी आठ हजार करोड़ वाला फिर हमने बजट uh, के अंदर जो पैसा एलोकेट किया जाता है डिजास्टर्स को रोकने के लिए तो दस हजार करोड़ का फंड उसका भी डिस्कशन हमने लास्ट टाइम किया था सो रिगार्डिंग डिजास्टर्स दया सो मेनी न्यूज एंड सो मेनी थिंग्स विच वी हैव कवर्ड लास्ट टाइम तो थोड़ा वहां पर जरूर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वेयर वॉज द ट्वेल्थ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग को चेयर बाय जयशंकर सर हेल्ड सो मेकोंग गंगा की बात करते हैं दो रिवर्स है और इन दो रिवर्स से ओरिएंटेड ये ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसे मेकॉन्ग गंगा कहते हैं बैंकॉक में इसका कॉन्फ्रेंस है गंगा बिलोंग्स टू इंडिया एंड मेकॉन्ग की बात करेंगे तो यहां पे आ, वियतनाम थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस ये कंट्रीज आती है सो so, इंडिया और ये बची हुई पांच कंट्रीज वियतनाम थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस सो so, इन कंट्रीज का ग्रुप है कॉलेज गंगा ईयर 2000 में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ, के द्वारा इस ग्रुप को बनाया गया था तो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है इसी का मीटिंग था जिसमें जयशंकर साहब ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एंड वॉट वॉज इन बैंकॉक ये पॉइंट भी याद रखेगा बाकी तो ये पॉइंट भी हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा तो हम आगे बढ़ते हैं ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है इन विच स्पोर्ट डिड शुभम बिस्ला सनियाम विन द गोल्ड मेडल एट द आई एस एस एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री चलो आंसर कर दीजिएगा दोस्तों वेरी सिंपल आई एस एस एफ ये मेंशन ही किया हुआ है uh, जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शूटिंग की बात करते हैं यस शूटिंग इवेंट से बिलोंग करते हैं Uh, who won the main single final at the Wimbledon 2023? A very simple question. इसके लिए आपको options की भी जरूरत नहीं है। uh, जल्दी बता दीजिएगा। uh, अभी तक Australian Open, French Open और Wimbledon ये तीन tournaments खत्म हो गई है। अब इसके बाद बस एक ही tournament बचती है and that is called US Open. So US Open and Australian Open ये दोनो tournaments hard court पे खेली जाती है। Wimbledon ये lawn लॉन टेनिस जिसे कहते हैं उसके ऊपर खेला जाता है ग्रास जिसे हम लोग कहेंगे एंड फ्रेंच ओपन जो होती है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट ध्यान रखिएगा ज फ्रॉम द स्पेन ही वन द चैंपियनशिप महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के कैटेगरी में अनसीडेड अनसीडेड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कोई रैंकिंग नहीं थी इनकी लास्ट ईयर शी वॉज अ विजिटर टू विंबलडन विंबलडन में कैसे विजिटर करके आए थे लास्ट ईयर और इस साल उसी विंबलडन में वो चैंपियन बन गए तो ये एक अपने आप में बड़ा बेहतरीन सा स्टोरी बन जाता है एक मोटिवेशनल स्टोरी की एक टूर्नामेंट को केवल देखने के लिए आए थे लास्ट ईयर और इस बार वो आके चैंपियन बन के चले गए सो आंसर इज मार्केटा वॉन्डोरोसुआ शीज फ्रॉम जेक जेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं एंड शी वन दिस चैंपियनशिप ध्यान रखिएगा एलिफंट ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ कंडक्ट की जाती है तो यहाँ पे का नाम आपके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि उलन बतार मंगोलिया सो so मंगोलिया इंडिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नाम का एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट नाम का एक और एक्सरसाइज है जो मंगोलिया कंडक्ट करता है यूएस के साथ मिलकर वो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है ये बायोलेट्रल है कॉलड एज अ नोमैडिक एलिफेंट ये भी पॉइंट याद रखिएगा तो ये कुछ क्वेश्चंस है कल के करंट अफेयर्स से ओरिएंटेड अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आज थोड़ी ज्यादा न्यूज़ हमें कवर करनी है आज थोड़े ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर हमें बात करनी है आ, कल तो हमने वैसे पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया था थोड़ा फास्ट तरीके से आज आ, हर न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा वक्त देने की मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है बट पूरा सेशन या पूरे न्यूज को कवर करना मेरी पूरी कोशिश रहेगी तो अगर थोड़ा उन्नीस बीस होता है तो प्लीज आज के लिए मैनेज कर लीजिए कल मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग विल बी ओके ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले

से है क्यों इसका पीछे रीजन पहला तो ये सेक्शन पीआईबी का नहीं है बट इसी से रिलेटेड एक न्यूज पीआईबी के अंदर भी है तो इसलिए पीआईबी के आ, हेडिंग के अंदर इसे डाल दिया गया कल नेल्सन मंडेला साहब का डे था कि कल हम उसे कवर करना रह गया था हमारा तो एटीन ऑफ जुलाई एवरी ईयर हम मंडेला डे ऑब्जर्व करते हैं पब्लिक हॉलीडे होता है कि <clears throat> So basically seen ऐसा की बात करें so celebrated very widely. All over the world इसे बहुत सेलिब्रेट किया जाता है मंडेला डे 1993 में नेल्सन मंडेला साहब को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था याद रखेगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि नाइनटीन नाइनटी थ्री नोबेल पीस प्राइज टू नेल्सन मंडेला सो पॉलिटिशियन फिलंथ्रॉफिस्ट एज वेल एज ए सोशल वर्कर काफी बड़ा रोल इनका रहा है और जो रेसिज्म था साउथ अफ्रीका में उसे हटाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तो इस बार का थीम देखिएगा थीम legacy लिवस ऑन थ्रू यू क्लाइमेट फूड एंड solidarity ये इस बार का थीम रखा गया तो इसके अराउंड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं अब ये तो यूएन के द्वारा किए गए सेलिब्रेशन की बात है थीम uh, भी हमने देख लिया अब इंडिया की बात करते हैं पीआईबी के अंदर क्या कवर किया गया तो हमारी गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन के साथ मिलके साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन मींस साउथ अफ्रीका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स या एंबेसडर्स जो इंडिया में काम करते हैं उनके साथ मिलके एक एग्जीबिशन रखा हुआ है कि एक एग्जीबिशन रखा हुआ था जिसकी शुरुआत कल से की गई जहां पे नेल्सन मंडेला साहब और इंडिया का रिलेशन क्योंकि मंडेला साहब गांधी जी के बड़े फेमस फॉलोअर थे गांधी जी को उन्होंने थ्रू फॉलो किया हुआ है साथ में मंडेला साहब के कार्यकाल में इंडिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी थे तो उन सबको दर्शाने के लिए एक हाई कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन इनके द्वारा एग्जीबिशन रखा गया ध्यान दीजिएगा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड साउथ आफ्रीकन हाई कमीशन एंड नेशनल म्यूजियम जो कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है सो कल्चर मिनिस्ट्री साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन एंड इंटरनेशनल सॉरी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया इज हिस्टोरिकल जर्नी विथ आफ्रीका मार्चिंग हेट टूगेदर यह इसका थीम रखा गया तो क्वेश्चन इसी के अराउंड पूछे जाएंगे इसीलिए मैंने इसे पी आई बी के अंडर डाला सो मंडेला डे मंडेला साहब को कब नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछे गए इसलिए वो पॉइंट नाइनटीन नाइनटी थ्री वाला मैंने आपको बताया इस बार का मंडेला डे का थीम उसके बाद इंडिया में उनके बर्थ डे को लेके या उनके डे को लेके क्या चीजें ऑब्जर्व की गई सो नेशनल म्यूजियम That is Ministry of Culture, South African High Commission and Vivekanand International Foundation. इन्होंने मिलके ये एग्जीबिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया That's it. और यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना एग्जाम के लिए more than enough रहेगा ठीक है जस्ट आगे बढ़ते हैं Next point के तरफ जाएंगे Next point के ऊपर बात करेंगे sec। जी। सॉरी इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल कुछ क्वेश्चन में हमारे लिए बन सकते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या आया ये हमें स्टडी नहीं करना बस हमें यह देखना है कौन सी दो कंट्रीज है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप अब पे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री सो so, इंडिया का पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री एंड सेम विद द यूएसए उनके बीच में टाइप हुआ कि आने वाले समय में

पहला दूसरा इंडिया यूएसए के बीच में रिसेंटली एस सी पी -E वॉज इन uh, न्यूज रिसेंटली तो इसमें से ई e का फुल फॉर्म पूरे एसई सी पी का फुल फॉर्म बता, -E बता दो ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है बाकी इनफ है बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो वो पॉइंट मैंने यहां पे आपको बता दिया देखिए यहां पे गलती क्या हो सकती है क्लीन एनर्जी लिखा हुआ है तो दिमाग में रिन्यूएबल एनर्जी आ सकती है बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात की है हरदीप सिंह पुरी साहब का मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है बाकी तो आ, इनफ है एग्जाम के लिए चलो आगे बढ़ते हैं भारत दाल अब ये बड़ा बेहतरीन सा कंसेप्ट है भारत दाल यहाँ पे आपको पीयूष गोयल साहब दिख रहे होंगे पीयूष गोयल साहब यहाँ पे बींग कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ये इनके पास आती है

शियन की दुकानों में सब्सिडाइज रेट में चना दाल मिलती है तो उसी चना दाल को भारत दाल ये नाम दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो पर केजी का दाम कितना रहेगा सिक्स रुपीज पर के जी ये पे मेंशन किया गया है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आपके लिए तो एक ब्रांड का नाम दे दिया भारत दाल एक ब्रांड दे दिया कि भैया इसी नाम से अब इसे सेल किया जाएगा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछ सकते कि पहले भारत दाल ये नाम एग्जैक्टली किसे दिया गया कितने रुपए पर के जी ये दाल मिलेगी ये सब्सिडाइज दाल है यह केवल राशन के दुकानों के थ्रू मिलेगी इसलिए पीयूष गोयल साहब के द्वारा इसे इनग्रेट किया गया अब यहां पर फॉर पैक के? और अगर आप थर्टी के जी का पैक ले रहे हो तो फिफ्टी फाइव पर के जी यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने वही आइडिया लगाया जैसे मार्केट में होता है ना होलसेल में खरीद रहे हो तो कम दाम रिटेल में खरीद रहे हो तो भाई साठ रुपए जी खरीद रहा हो तो पचपन रुपए तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक बिजनेस ओरिएंटेशन में वर्क कर रही है बाकी तो इनफ है फिलहाल इसे दिल्ली एनसीआर रीजन में इंप्लीमेंट किया जा रहा है धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द इंडिया इंप्लीमेंट किया जाएगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नैफेड की यहाँ पे बात की गई है नैफेड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी 1958 में नैफेड को बनाया गया

आगे बढ़ते दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज प्रेसिडेंट मैम प्रेजेंट्स द भूमि सम्मान अवार्ड भूमि सम्मान अवार्ड एग्जैक्टली क्या होते हैं इसके ऊपर थोड़ी बात करता हूं मैं देखिए हमारे देश में लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का एक कंसेप्ट है लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना इसके लिए 2008 में हमारे देश में कंसेप्ट बना था कंसेप्ट का नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम दो में सबसे पहले इस कंसेप्ट के ऊपर बात की गई बाद में सरकारें बदली तो फिर इसे वापस एक बार रिलॉन्च किया गया 2015-16 के वक्त में पर इसका ओरिजिनल अनाउंसमेंट 2008 का है कॉल्ड एज अ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अब इसके अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट तो नहीं कहेंगे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कलेक्टर्स जो म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है अवार्ड नेशनल या स्टेट एंगल का नहीं है यह अवार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है कलेक्टर अवार्ड सिक्सटी एट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टेट ये अवार्ड दिया गया फॉर वॉट फॉर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अब यहां पे सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है के? कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं और उन सबको सेम लेवल का अवार्ड मिलता है तो यहाँ पे ये मत सोचना कभी क्योंकि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओडिशा से पढ़ाई कर तो ओडिशा के न्यूज पेपर के अंदर यूपी के न्यूज पेपर के अंदर महाराष्ट्र के न्यूज पेपर के अंदर वहां के कलेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं या वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम लिखे हुए हैं तो ऐसा लग सकता है कि ये बेस्ट है और बाकी शायद नीचे होंगे पर ऐसा नहीं है ऑल डिस्ट्रिक्ट आर एट द इक्वल लेवल एंड दे गॉट द अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड कॉल्ड एज एज द नेम ऑफ दिस अवार्ड इज भूमि सम्मान अवार्ड ध्यान रखिएगा अगेन अवार्ड इज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री ये तो बड़ा सिंपल है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया अवार्ड uh, किस कैटेगरी के अंदर मिला है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम दो आठ में इस प्रोग्राम की सबसे पहले अनाउंसमेंट की गई थी जल्दी से मुझे बताइए हमारे देश के रूरल डेवलपमेंट <coughs> मिनिस्टर कौन जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा या बाकी तो इनफ है मीटिंग्स uh, uh, की यहां पे बात करेंगे okay. uh, yes. अब जी ट्वेंटी की कुछ एक दो न्यूज कवर कर लेते हैं फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीटिंग है एंड दिस मीटिंग मीटिंग है एंड द इज स्टार्टेड सो एक बार डिस्कस कर लेते इसके बारे में देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि व्हेन इट कम्स टू जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी का सबसे बड़ा मोटो होता है

फिनेंस मिनिस्टर मैम ने इसे लीड किया इसके अलावा हमारे देश के आर गवर्नर भी यहां पे प्रेजेंट थे तो ये भी बात बड़ी क्लियर है इसके अलावा फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज इनका भी मीटिंग था के तो मेन फिनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटीज इनका भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया दोनों मीटिंग गांधीनगर पहले यह मीटिंग्स बेंगलुरु में हुई दो मीटिंग्स ये थर्ड मीटिंग है और ये गांधीनगर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई

डब्ल्यू जी मीटिंग एंड मीटिंग एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग अब ध्यान दीजिए लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग एम्पावर्ड वर्किंग ग्रुप ऑन लेबर और इसका मीटिंग है और ये फोर्थ मीटिंग अब ये भी जी ट्वेंटी के अंदर है लेबर मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव सर के पास आती है इसकी पहली मीटिंग वॉज इन जोधपुर सेकेंड मीटिंग वॉज इन गुवाहाटी थर्ड मीटिंग वॉज इन जीनीवा जीनीवा में क्यों? बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जीनीवा के अंदर है और ये फोर्थ मीटिंग है और इस फोर्थ मीटिंग को इंदौर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया ध्यान रखिएगा ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मीटिंग पहला मीटिंग जोधपुर सेकंड मीटिंग गुवाहाटी थर्ड मीटिंग के जीनीवाटर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ मीटिंग इंदौर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया दैट्स इट दैट विल बी इनफ इनफ इतना रहेगा एग्जाम के लिए तो दो बड़ी मीटिंग्स है अंडर जी ट्वेंटी जिनके ऊपर हमें बात करनी थी एक गांधीनगर के अंदर और दूसरी इंदौर के अंदर दैट्स इट चलो आगे बढ़ते हैं इंडिया टू होस्ट ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट दिस वीक ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट इंडिया में फूड रेगुलेटर के तौर पे कौन काम करता है कोई बताएगा मुझे इंडिया में फूड रेगुलेटर के तौर पे कौन सी अथॉरिटी काम करती है राजेश भूषण सर उसके चेयर पर्सन है आपको याद होगा जल्दी बता दीजिए और वो अथॉरिटी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है इसलिए मनसुख मंदि साहब का फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सो so, दोस्तों इस, इसका जो नाम है फूड ओ कॉपिया ये नाम रखा गया है so, सो सेफ्टी के एंगल में ग्लोबल मीटिंग है और 20 जुलाई से लेके 21 जुलाई इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिल्ली में हमारे देश में एफ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते सो so, एफ के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये ग्लोबल फूड uh, सेफ्टी के एंगल में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली एफएसएसएआई विल ऑर्गेनाइज इट ध्यान रखिएगा ठीक है चलो यस yes, बहुत बढ़िया एफएसएसएआई uh, के सीईओ का नाम एक बार बता दीजिए कि एफएसएसएआई के सीईओ कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसे कौन हैंडल करते हैं आईएनएस कोलकाता आईएनएस सह्याद्री ये जकार्ता जा रहे हैं सो तो हमारी कंट्री की दो Ships है आईएनएस

एंड इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम कोई बताएगा मुझे जल्दी बता दीजिए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम बताइए एमपीएक्स का सीन क्या है एमपीएक्स ये टाइमबिंग का एक्सरसाइज है ये परमानेंट नहीं है एमपीएक्स नाम से हम किसी के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं पैसेक्स एंड एमपीएक्स ये ऐसे नाम है कि जो किसी के साथ भी कंडक्ट कर सकते हैं समुद्र शक्ति इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया एक और मिलिट्री का गरुड़ा है, so, गरुड़ तो है कंडक्ट करते हैं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो प्लीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर पूछा है कि इंडिया इंडोनेशिया के नेवल एक्सरसाइज का नाम बताइए तो आंसर इज समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के uh,

आ, यही है आ, वो सी न्यूज का सारा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया आ, यस हमने अभी बस डिस्कस ही किया हुआ सो विच इजन ओवर समुद्र शक्ति नेवड़ शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया नाउ धिस कैन बी द बिग न्यूज ये बहुत बड़ा न्यूज बनने वाला है क्योंकि अपोजिशन पार्टी का एक नया ग्रुप बना और इस ग्रुप को नाम दिया गया है इंडिया सो so, नाम का कंसेप्ट होता है वैसे ये तो पॉलिटिक्स वाला न्यूज है तो हम इसे क्यों कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे अभी तक क्या था कि बीजेपी और उसकी जो फ्रेंडली पार्टीज है उस ग्रुप को एनडीए कहते हैं एनडीए के सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एनडीए दैट इज फुल फॉर्म इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ठीक है सो द बीजेपी एंड द सपोर्टिंग पार्टी जो अपोजिट वाली पार्टीज थे अपोजिशन वाली मीन कांग्रेस और उसके जितनी फ्रेंडली पार्टीज है या फ्रेंडली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ रहेगी उसको यूपीए कहते थे यूपीए आपने शायद नाम सुना होगा और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि यूपीए एग्जैक्टली exactly क्या है एनडीए एग्जैक्टली exactly क्या है अभी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने अपने क्वालेशन का अपने गठबंधन का अलग नाम रख दिया और वो नाम रख दिया इंडिया तो इसके अराउंड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इसका है, फर्म, फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मोदी साहब शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दे रहे थे तो इनको भी लगा कि इन्होंने भी देना चाहिए इन्होंने भी दे दिया इनके चक्करों में हमारे काम बढ़ जाते वैसे ये न्यूज बहुत पॉलिटिकल है काफी पॉलिटिकल है बट स्टिल वी शुड नो वन थिंग क्योंकि हमारे देश में दो बड़े बड़े अलायंस है सो वी शुड नो अबाउट दो अलायंस एक अलायंस बीजेपी लीड करती है कॉल्ड एज अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक अलायंस कांग्रेस और बाकी पार्टीज का है और जिसे इंडिया कहते हैं इंडिया का फुल फॉर्म यहां पे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस सो डेवलपमेंट इंक्लूसिव ध्यान रखना इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बड़ा सिंपल रहेगा याद करने के लिए के okay. तो यहां पे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ध्यान रखिएगा बाय द वे यहां पे 26 पार्टीज है 26 पार्टीज का ये ग्रुप है और अगर एनडीए की बात करें तो यहां पे आ, 36, पे 26 है और यहाँ दिखाया हुआ है पर ये सपोर्ट कम ज्यादा होते रहता है आपको भी है कि आपस में इतने झगड़े चलते रहते हैं एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो बवाल चलते रहता है तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ तो इसीलिए बस इनके फुल फॉर्म की तरफ ध्यान रखिए आपके लिए इनफ रहेगा फॉर पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट ब्लेयर का जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसको किया गया, सो एक बार बात कर लेते, इसके अराउंड डिस्कशन कर लेते हैं जी सो पीएम इनोग्रेट द टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन सिंपल है यहां पे, कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है ये एक पहला क्वेश्चन है और जो इसके पहले भी पूछा गया था तो पोर्ट ब्लेयर अंदमान के अंदर यह पर्टिकुलर आता है याद रखेगा अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज लास्ट टाइम वाज इन न्यूज अगेन ड्यू टू मोदी साहब क्योंकि वहां के 21 आइलैंड्स है 21 वन आईलैंड छोटे छोटे आएलेंडस, उनको इंडिया के परमवीर चक्र जिनको मिले उनके नाम पे उन आईलैंड का नाम रखा गया तो ट्वेंटी वन को अंदमान के अंदर आने वाले परमवीर चक्र विजेता जो है उनके नाम दिए गए तभी न्यूज में आया था पूरे 21 परमवीर चक्रों के नाम आपको याद नहीं करने पड़ेंगे जो आइलैंड्स आइलैंड्स को को दिए गए बस याद रखिएगा कि 21 को चक्र विजेताओं के नाम लास्ट टाइम दिए गए थे और यहां पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर आता है दैट विल बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज कल मोदी साहब ने इसे लोकार्पण किया ज अग न्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूज डिजिटल टाइम वाउचर्स एंड नेशनल स्टेट पोलिटिकल पार्टी दूरदर्शन रेडियो डूरिंग इलेक्शन ये बहुत बड़ी न्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे कब होता है हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे कब होता है दूसरा हमारे इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नंबर क्या है तीसरा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो इन तीन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ तो जान राजू कुमार सर की बात करते हैं एंड आर्टिकल नंबर थ्री ट्वेंटी फोर राइट चलो अब ध्यान दीजिएगा सीन क्या है कि अभी इंडिया में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज अगर उनको कैंपेन करना होगा दूरदर्शन पे या ऑल इंडिया रेडियो पे तो उनके लिए एक टाइम वाउचर बनाया गया टाइम वाउचर का मतलब है कि इतना टाइम आप ऐड कर सकते हो टोटल इतने टाइम के लिए आपको ऐड करने की परमिशन है So, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एड्स आनी चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह मिलनी चाहिए क्योंकि दूरदर्शन के प्रोग्राम्स होंगे ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम्स होंगे अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी एड करे तो फिर बाकियों को सही तरीके से वहां पर चांस नहीं मिलेगा इसलिए टाइम वाउचर यह कंसेप्ट क्रिएट किया गया है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आ, ये यहां पे एक और चीज आ रही है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इनके लिए भी टाइम वाउचर कंसेप्ट क्रिएट किया जाएगा ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रही है जो सोशल मीडिया होता है या बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहां पे भी अगर कोई ऐड कर रहा होगा तो उसके लिए भी टाइम वाउचर्स क्रिएट किए जाएंगे सो दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी चलो एक लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछता हूं लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज है स्टेट पार्टीज तो बहुत सारी है पर नेशनल पार्टीज इंडिया में कौन सी कौन सी है नाम मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सो नेम ऑफ द नेशनल पार्टीज क्योंकि नेशनल पार्टी ये एक रिकॉग्निशन होता है और रिसेंटली आपको आप आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया सो so, जल्दी से मुझे बता दीजिए नेशनल पार्टीज कौन सी कौन सी है जी हां यस uh, yes, आपसे शुरुआत कर लेते हैं सो so आप बी एस पी सॉरी बी एस पी इसके अलावा बीजेपी यस एब्सोल्युटली बीजेपी की बात करेंगे कांग्रेस आती है वेरी गुड के सो ये चार हो गई देन इसके अलावा सीपीआईएम के सीपीआईएम की बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम and NPP National People's Party, okay. So uh, these are the six parties. Ab BSP, BJP, Congress, CPI(M) Communist Party of India, Marxist, and uh, then NPP National People's Party. ये North East की पहली पार्टी है जिसे national level का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेगा। Last time Election Commission के बारे में हमने news देखी थी कि that uh, Election Commission का agreement sign हुआ। पनामा के साथ ब्राजील मेक्सिको चिली इन कंट्रीज के साथ फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस प्रॉपरली सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन टू इवेल्युएट यूपीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस यूजिंग ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क ये बहुत बड़ी न्यूज है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में इसे क्रिएट किया गया इसका हेडक्वार्टर बर्न के अंदर आता है सो okay, so, बर्न विच इज इन स्विट्जरलैंड यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है 1874 सेवेंटी फोर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को क्रिएट किया गया रिसेंटली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने अपना रीजनल ऑफिस इंडिया में ओपन किया हुआ है तो रिसेंटली इनके द्वारा अपना रीजनल ऑफिस जो है वो इंडिया के अंदर ओपन किया गया तो उसी के अंदर इनका डिस्कशन हुआ हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब के साथ कि यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसे ग्लोबली यूज किया जाए देखिए हमारे पास

तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग एग्जाम्स तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा अगेन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 सेवनटी फोर बड़ी आ, आ, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इसका रीजनल ऑफिस रिसेंटली इंडिया में इनग्रेट किया गया और उसी के इनोग्रेशन के टाइम पे ये डिस्कशन हुए तो यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेमेंट बैंक है जे वेंकट रमु सर इस बैंक के फिलहाल एमडी सीईओ है ध्यान रखिए जी आगे बढ़ते आ, यस ये हमारे मिलिट्री को लेके न्यूज है सो अभी कारगिल विजय दिवस आने वाला है कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को होता है 1999 आपको याद होगा कारगिल के वॉर में हमें जीत हासिल हुई थी तो 26 जुलाई को एवरी ईयर हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो उसी विजय दिवस की शुरुआत करने के लिए एक महिलाओं का बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया गया एंड दैट बाइक रैली वॉज वॉज इनोग्रेटेड बाय अवर आर्मी हेड जल्दी से मुझे बताइए हमारे आर्मी हेड का नाम क्या है मेरे ख्याल से यहाँ पे लिंक नहीं डली हुई है सो स्टिल आई विल डिस्कस विथ यू सो हमारे आर्मी हेड ने इसे इनोग्रेट किया ये ट्राई सर्विस बाइक रैली है ट्राई सर्विस का मतलब है यहाँ पे आर्मी के भी है यहाँ पे नेवी की भी वेमेन ऑफिसर्स है यहाँ पे एयरफोर्स की वेमेन ऑफिसर्स है तो तीनों सर्विसेज की महिला ऑफिसर्स की ये बाइक रैली है जो कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करने के लिए शुरुआत की दिल्ली से इस रैली की शुरुआत हुई है द्रास द्रास इज द नेम ऑफ द प्लेस इन कश्मीर वहां तक यह रैली जाएगी और इस रैली के अंदर तीनों सर्विसेज की महिला ऑफिसर्स है जी मनोज पांडे सर के द्वारा इसे इनग्रेट किया गया ध्यान रखना यहाँ पे केवल आर्मी ऑफिसर्स नहीं है यहाँ पे ट्राई सर्विस विमेन ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर से शुरू सॉरी दिल्ली से शुरुआत हो रही है एंड द्रास कश्मीर तक इसे इस रैली को कंप्लीट किया जाएगा छब्बीस जुलाई के एंगल में इज कारगिल विजय दिवस आगे जाते गोपालपुर पोर्ट अचीव हाइएस्ट एवर आयन और लम्स लोडिंग इन वन डे ये न्यूज वैसे बड़ी सिंपल है क्योंकि ये प्राइवेट अथॉरिटी का न्यूज है जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट है जो आता है सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट जो <coughs> गोपालपुर एरिया में आता है तो गोपालपुर गो, सॉरी गोपालपुर पोर्ट जो है ओडिशा का इसने सबसे ज्यादा आयरन और लम्स को लोडिंग करने का रिकॉर्ड ब्रेक किया ये जो पोर्ट है दिस पोर्ट इज हैंडल बाय शापू पोलनजी ग्रुप और जिस जिस स्टील प्लांट के लिए इसे लोड किया गया वो है जेएसडब्ल्यू का स्टील प्लांट अब ध्यान रखिये स्टील प्लांट जेएसडब्ल्यू का जिंदल साउथ वेस्ट ये फुल फॉर्म है जो पोर्ट जो है पोर्ट इज हैंडल बाय शापूजी जी पॉलोजी ग्रुप और रिकॉर्ड इनका है कि हाईएस्ट एवर आयन और लम्स इसे यहां पे लोड किया गया दैट विल बी इनफ ये वैसे प्राइवेट कंपनीज का न्यूज है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बट स्टिल वी शुड नो अबाउट दिसन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट फ्रेवर बाय द लोकल गैजलर्स इन तवांग रीजन आ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही यहाँ पे ये फेस्टिवल जाता है यहां जाता है, से कमेंट सेक्शन में अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम डाल दीजिए आपको याद होगा लास्ट टाइम यूएस के पार्लियामेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है स्पेशली अरुणाचल का जो इशू है उसमें इंडिया के फेवर में यूएस के सीनेट ने अपना निर्णय लिया था तो मैकमोहन लाइन की हम बात करते वाज गिवन इन द फेवर ऑफ इंडिया ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं तो अरुणाचल के सीएम और गवर्नर का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जी पेमा खांडू सर की बात करेंगे पर नाइक सर ये गवर्नर है बहुत बढ़िया सिंप्ली फाइ लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट जनरेटिव ए आई टूल फॉर इंश्योरेंस ये ऑब्वियसली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है फिलहाल इंडिया के एंगल में इसे यूज नहीं किया जा रहा है पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पहला ए आई टूल वर्ल्ड लेवल पे क्रिएटर करने वाली कंपनी इज सिंपलीफाई सो यहां पर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है यह कंपनी वैसे नॉर्वे बेस्ड कंपनी है इंडिया में इनका ऑफिस पुणे के अंदर आता है, है। so इंप्लीमेंट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी जब तक आई डी की परमिशन नहीं होगी तब तक इंडिया में ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होंगे सो कंपनी का नाम याद रखिए कंपनी बेसिकली फ्रॉम द नॉर्वे इंडिया में इनका हेड ऑफिस या इंडिया का उनका जो मेन ब्रांचेज इन पुणे पुणे से वो काम करते हैं एंड दे विल आल्सो ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस एआई टूल फॉर इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर जल्दी से मुझे बताइए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है इंचार्ज कौन है आई का हेड क्वार्टर हैदराबाद के अंदर आता है हु इज द हेड ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया Yes, देवासिश पांडा सर की बात करेंगे अगर आने वाले पच्चीस साल हम रेगुलरली मिनिमम इतना ग्रोथ रेट रखते हैं सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट एनुअल ग्रोथ रेट एवरी इयर फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव इन इंडिया विल बिकम द डेवलप कंट्री तो आज और कल इंडिया डेवलप कंट्री नहीं बनेगी ये आधे रात की बात नहीं है या एक रात की बात नहीं है इट विल टेक टाइम एंड वो टाइम पास आ रहा है नो डाउट अबाउट दैट सो आरबीआई का स्टेटमेंट है कि फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर वी नीड मिनिमम सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट जी डी पी ग्रोथ रेट टू बी डेवलप कंट्री अब डेवलप कंट्री का कोई क्राइटेरिया एज सच फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है डेवलप okay, कंट्री का मतलब बेसिकली होता है कि योर कंट्रीज इकोनॉमी इज मोस्ट फेवरेबल योर कंट्रीज करेंसी इज मोर फेवरेबल तो इसमें कुछ एक फैक्टर नहीं है केवल जीडीपी फैक्टर नहीं रहेगा इसके अंदर काफी भी फैक्टर रहेंगे फॉर एग्जांपल आपका करेंसी कैसे इंटरनेशनलाइज हो रहा है मीन्स आपकी करेंसी बाकी भी कंट्रीज यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे जैसे लास्ट टाइम यू के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ बांग्लादेश श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ कि आ, दे विल यूज़ द रुपी फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन अठारह कंट्रीज रेडी है इंडियन रुपी को यूज़ करने के लिए सो आ, जितना ज़्यादा आपके इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी उतना आपकी कंट्री ये डेवलप्ड एंगल में बढ़ती जाएगी सो so, आरबीआई का ये कहना है कि अगर जीडीपी एंगल में देखा जाए तो मिनिमम वी नीड 7.6 परसेंट जीडीपी ग्रोथ एवरी ईयर एनुअली एवरी ईयर तब जाके हम ये अचीव कर पाएंगे सो so, जो मोदी साहब का एम था ना कि 25 फाइव ईयर अमृत काल इस अमृत काल में हमें क्या क्या है? क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि हमें डेवलप कंट्री बननी है बाय 2047 ये मोदी साहब का स्टेटमेंट था कि अमृत काल में हम डेवलप कंट्री बनेंगे तो अगर मोदी साहब का वो एम अचीव करना है तो हमें मिनिमम यहाँ पे 7.6 परसेंट जीडीपी ग्रोथ रखनी पड़ेगी ठीक है बाकी तो यहाँ पे इनफ है

आई आई टी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है अब आई आई टी खरगपुर इन कोललमपुर सो आई आई टी खरगपुर इन कोललमपुर ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो दैट्स इट बाकी तो इनफ रहेगा एग्जाम के लिए और कुछ डिस्कस करने की जरूरत वैसे नहीं है सो so, एक कान्जानिया एक यूएई के अंदर और एक हमारा कौला के अंदर बनेगा मैंने कल इनके बारे में आपके साथ बात की थी लेक्चर के क्योंकि हमारे लेक्चर स्टार्ट होने से कुछ मिनट पहले ही इनका देहांत का न्यूज आया था तो ओमन चांडी साहब बड़े फेमस पॉलिटिशियन केरला के सीएम रह चुके दो बार दो हजार ग्यारह से दो हजार सोलह दो हजार चार से दो हजार छ ही और इनके कार्यकाल में केरला ने काफी बड़ी बड़ी चीजें अचीव की थी एंड अक्रॉस द पार्टी ही वाज़ वेरी फेमस सो ओमन चांदी साहब का रिसेंटली देहांत हो गया बार, 12 बार बारह टाइम्स ही द फ्रॉम दिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल पुथुपाली रहे ट्रीटमेंट ओवर देयर एंड हॉस्पिटल में ही वो गुजर गए क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा एग्जाम के लिए बिकॉज बड़े फेमस पॉलिटिकल लीडर ये इंडिया के रह चुके हैं नाउ बिग न्यूज ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया स्टेट विद्रॉज होस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंग के अंदर हुआ था 2026 का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था बट खर्चे बहुत हो रहे हैं बहुत महंगा पड़ रहा है इसलिए ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड कि अभी हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे इनिशियली उनका बजट था कि 2.6 बिलियन के अंदर यह ऑर्गेनाइज हो जाएगा अभी इनका बजट सेवन बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जा रहा है

लास्ट टाइम यूके के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 2010 में ऑर्गेनाइज में, किए जाने थे बट इन्होंने मना कर दिया अब आ, दूसरा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा मोस्टली यूके के अंदर ही ऑर्गेनाइज कर लेंगे मोस्टली यूके से ऑर्गेनाइज कर सकता क्योंकि इंडिया फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं देगा बिकॉज इलेक्शंस uh, भी आने वाले हैं तो यू uh, uh, है कि इसे यूके के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए ध्यान रखिएगा uh, शुरुआत 1930 से हुई Commonwealth Games क्या होते हैं हमने डिस्कस किया Last time, Birmingham के किया के अंदर गया था और अभी विक्टोरिया uh, ने मना कर दिया है इसे ऑर्गेनाइज करने से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी डॉलर इज द कर अजित सिंह गोल्ड मेडल इन फाइनलिन थ्रो इन पैरा एथलीट चैंपियनशिपिस अवार्ड है और अजीत सिंह को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला हुआ है तो क्वेश्चन इनके अराउंड भी एग्जाम में बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों आज का एक बार होमवर्क देख लेते हैं इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बैंकॉक बिम्स्टिक वॉज साउंडेड इन विच इयर तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए जिनके आंसर आप लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा uh, we'll see you in the next session very sorry uh, due to uh, health issues i'm not able to uh, carry the session full-fledgedly uh, but sorry uh, news cover karne gimme the karunga okay that's it we'll see you in the next session bye-bye take care